सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो इस सेशन के अंदर प्रीलिम्स 2023 के लिए जो भी टॉपिक्स बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स जो न्यूज़ में हैं तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स हैं कुछ न्यूज़ में हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग एक साल के ऊपर के टॉपिक्स रहेंगे और इनसे काफ़ी अधिक प्रश्न भी आते हैं जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जो है इंक्लूड हुआ है प्रीलिम्स के लिए, तो काफ़ी सारे प्रश्न इन एरियाज़ में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला देखो हेपेटाइटिस के ऊपर है, तो हेपेटाइटिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लीवर है, लीवर में सूजन सी होती है, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, ये भी याद रखना है। अलग अलग हेपेटाइटिस हैं, ए बी सी डी ई, मोस्ट कॉमन की अगर बात करें तो जैसे जनरली देखा जाए तो जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस के लिए कई सारे तरीके हैं जिससे स्प्रेड होता है। जैसे हेपेटाइटिस ई है और हेपेटाइटिस ए है, ये वाटर बॉर्न होता है, ये फूड मतलब अगर कंटेमिनेटेड है और उसमें वो वायरस प्रेजेंट है पानी या खाने में तो फिर वो बीमारी आपकी स्प्रेड हो सकती है। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो ब्लड की बात करें तो ब्लड के माध्यम से स्प्रेड आपका होता है, रेयर ऑकर होता है, विथ हेपेटाइटिस बी और डी एक साथ भी आपके हो सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी थ्रू द ब्लड ऑल्सो, जैसे ब्लड है और उसका ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और उसमें वायरस प्रेजेंट है तो इट कैन स्प्रेड थ्रू दैट मीन ऑल्सो। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी के लिए, आपके पास ऑलरेडी वैक्सीन है, हमने काफ़ी सारा प्रयास किया, जैसे वी हैव सेड कि हमें इसे बाय 2030 एलिमिनेट करना है। देखो जो की पॉइंट्स है जिसमें प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कई प्रकार के जैसे प्रोग्राम्स भी हैं, इंटीग्रेटेड रीजनल एक्शन प्लान है वायरल हेपेटाइटिस के लिए। अब इसमें ये देखा जाए तो बाय 22 से 26 तक का टाइम पीरियड है कि हम किस तरीके से इस हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है उसको दूर कर सकते हैं, कैसे अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए रेप्लिकेशन? मतलब जैसे एक डीएनए है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए आप बना रहे हो, जैसे एक कॉपी फोटोकॉपी है, एक पेज है, उसके नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, इनकी आप फोटोकॉपी करा रहे हो तो सेम से नोट्स होंगे, तो ऐसे रेप्लिकेट करना, इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हम कहते हैं। सो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टोपो आइसोमरेस 1, ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। अब आपसे पूछे कि जैसे ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये नाम याद रखना है, दैट इज टोपो आइसोमरेस 1, इट इज इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया गया कि जैसे मान लो कोई भी सेल होता है, जैसे कोई भी सेल है, अगर ये सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, अगर इसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ अनकंट्रोल्ड वे में हो जाए, तो अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा तो इट विल रिजल्ट इन टू वट वी कॉल इट एज अ कैंसर। तो कैंसर को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जैसे हर सेल के अंदर आपके डीएनए प्रेजेंट है, जैसे हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, अब अगर आप उसमें सर्टन चेंजेस कर देते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सेल है, सेल अनकंट्रोल्ड वे में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है तभी तो कैंसर बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो अगर डीएनए लेवल पे, तो हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि डीएनए जब मल्टीप्लाई करेगा या अपने जैसा एक दूसरी कॉपी बनाएगा तो उसमें ये एंजाइम आपका ज़रूरी होता है, तो इसमें कुछ चेंजेस करके हम प्रयास कर सकते हैं कि हम कैंसर को भी ट्रीट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कई प्रकार की दवाइयाँ भी हैं, कैम्थोथैसिन है, टोपोटिकैन है, ट्राइनोटिकैन है, तो ये सब क्या है, दीज आर द एंटी कैंसर स्ट्रेस एंटी कैंसर ड्रग। तो अगर आपसे पूछे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे ये, तो ये क्या है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि सपोज़ करो कि ये पूछा जाए कि टॉप वन थेरेपी क्या होती है, सपोज़ देर इज़ अ क्वेश्चन कि टॉप वन थेरेपी क्या होती है, सो टॉप वन थेरेपी आपको याद रखना है। टॉप वन थेरेपी का मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इस ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम में आप चेंजेस कर रहे हो और चेंजेस करके इस एंजाइम को चेंज करके आप सेलुलर लेवल पे बदलाव ला के कैंसर को ट्रीट कर सकते हो। फिर आपके पास दूसरे भी हैं जैसे PRMT5 प्रोटीन एंड एंजाइम TDP1, ये भी एंटी कैंसर थेरेपी के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आपके लिंक्ड होते हैं, दे आर लिंक्ड विथ डीएनए, एंड देर आर ऑल्सो सर्टन प्रिसीजन मेडिसिन। प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन मेडिसिन? प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब हुआ कि बहुत ही डायरेक्टेड या टारगेटेड ये मेडिसिन काम करती हैं, बहुत ही डायरेक्टेड या टारगेटेड जो है ये काम करती है प्रिसीजन। जैसे मान लो कहा जाता है ना कि ये मिसाइल बहुत प्रिसाइज है, आप बहुत प्रिसाइज मतलब एकदम पर्टिकुलर, तो ये इन्हें हम प्रिसीजन
मेडिसिन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। टॉप वन ये जो थेरेपी है ये हायर यूकेरियोट्स के लिए सक्सेसफुल है। यूकेरियोट्स मतलब जो थोड़ा एडवांस ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट आपके होते हैं, जैसे हम लोग यूकेरियोट्स की कैटेगरी में या प्लांट्स है किसी भी तो हम यूकेरियोट्स हैं। प्रोकेरियोट्स क्या होते हैं, जो बहुत ही लेवल पे देखा जाए कि उनका जो सेल होता है उनका उतना विकास नहीं होता है, बहुत चीज़ों की कमी होती है उनमें, तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके कई सारे वो आपके यूकेरियोट्स के प्रोकेरियोट्स के अंदर आते हैं, और जो डेवलप्ड जिनके सारी चीज़ें डेवलप अच्छे से हो गई हैं वो आपके यूकेरियोट्स आते हैं। दूसरा देखो, मंकी पॉक्स वैक्सीन के ऊपर है। मंकी पॉक्स वैक्सीन ये एक डीएनए वायरस है। ये पहली चीज़ तो याद रखना कि मंकी पॉक्स की जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होता है। एंड क्योंकि ये वायरस डीएनए बेस्ड है, देखो वायरस भी क्या होता है, एक तो डीएनए बेस्ड होता है और एक आरएनए बेस्ड होता है, तो ये जो डीएनए बेस्ड वायरस है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से इसमें म्यूटेशन के चांसेस कम होता है। जैसे सार्स कोवी टू का जो कोरोना वायरस है ये क्या है, आरएनए बेस्ड है, तो आरएनए बेस्ड होने की वजह से इसमें म्यूटेशन या बदलाव के चांसेस बहुत आपके होते हैं। सो यहाँ पे जिन न्यूज वैक्सीन है जो कि प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, दूसरे जो डिजीज़ हैं कॉज्ड बाय ऑर्थो पॉक्स वायरस इंक्लूडिंग वैक्सीन वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस, तो इस वायरस की वजह से अगर ये बीमारियां जो आपकी होती हैं तो उसमें इस वैक्सीन का इस्तेमाल आपका किया जाता है जिससे बीमारी ना हो। अब ये लाइव वैक्सीन वायरस है, लाइव वैक्सीन वायरस है मतलब कि जो वायरस है वो पूरे तरीके से मारा नहीं जाता, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है। फिर दूसरा एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं APOBEC3। देखो ये जो नोट्स आप डिस्कस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं मेरी क्लास के द्वारा ही स्टूडेंट के द्वारा जो है बनाए गए हैं और उन्होंने शेयर किया, दैट इज़ द रीज़न कि रिवीजन कंटेक्स्ट में मैं आपके लिए कवर किए दे रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है APQBEC3 प्रोटीन। ये क्या है, कुछ जो वायरल इन्फेक्शन हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। और कैसे हेल्प करती है कि जो जीनोम सीक्वेंस है वायरस को उसको एडिट करके, जैसे वायरस है, वायरस में जो भी मान लो वायरस डीएनए बेस्ड है या वायरस आरएनए बेस्ड है, तो ये जीनोम जैसे डीएनए में ही जीन्स प्रेजेंट होती हैं और जीन पूरे जो वायरस में प्रेजेंट है उसकी जीनोम हो जाती हैं, तो अगर आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको बदल देते हो, तो उससे क्या होगा, जैसे वायरस को भी मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे अगर वो मल्टीप्लाई कर, आपके एक मान लो ये सेल है इसमें वायरस अंदर चला गया, ठीक है, अब एक बार वायरस जाने के बाद ये मल्टीप्लाई करेगा तो अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी ये मल्टीप्लाई कर रहता है, तो ये मल्टीप्लाई ना कर पाए या फिर इसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि जो बीमारी स्प्रेड करने की कैपेसिटी है वायरस की वो रिड्यूस हो सकती है, तो इसके लिए इस प्रोटीन का इस्तेमाल आपका किया जो है वो जा रहा है। यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कई प्रकार के जो मंकी पॉक्स वायरस है उसमें भी कुछ बदलाव आपके आ रहे हैं, तो दो टर्म, एक तो न्यूज़ में है, एक तो जेन न्यूस आपको याद रखना है, दूसरा आपको APOBEC3 प्रोटीन याद रखना है। नेक्स्ट है एक टर्म जिसे हम कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखो हेल्थ हम अगर हेल्थ की बात करें तो हम ऐसे अभी जर्नलिस्ट है कि देखो हॉस्पिटल्स हों डॉक्टर्स हों तो सब लोग हेल्दी रहेंगे, ऐसे ही हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने जो क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक है। लेकिन अभी जैसे मान लो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ, ऐसी बहुत सी बीमारियाँ स्प्रेड हो रही हैं, तो कहा गया कि जो ह्यूमन है वो हेल्दी तभी होगा जब एनवायरमेंट हेल्दी हो, एनिमल्स हेल्दी हो, सभी हेल्दी होंगे तब ह्यूमंस हेल्दी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बाकी सारा हेल्दी ना रहे और हम सोचे हम हेल्दी हों। तो यहाँ पे वन हेल्थ अप्रोच क्या करता है, वन हेल्थ अप्रोच कहता है देखो ह्यूमन भी हेल्दी हो, नॉन ह्यूमन स्पीसीज है, एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, सब हेल्दी होंगे तभी हम हेल्दी होंगे। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि आपका फॉलो किया जाता है, जिसे हम वन हेल्थ अप्रोच भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो ये इंट्रा नसल वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है, जैसे ये नाम याद रखो BBV154 करके है। तो जो नोज़ है उसका म्यूकोसा लेयर एक आपका प्रेजेंट होता है जिसे हम म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। जैसे मान लो नोज़ है तो नोज़ की ऊपरी सतह में, या जैसे मान लो लंग्स है या इस सब में क्या है, ऊपरी सतह में म्यूकोसा लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये क्या है, इस म्यूकोसा लेयर में भी इम्यून सिस्टम होता है। जैसे मान लो आपके शरीर में कोई वायरस बैक्टीरिया जाता है तो इस लेयर का जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट होके और वो रोकता है। तो जो इंट्रानसल वैक्सीन है उसमें क्या होता है, जैसे जनरली वैक्सीन आप लोगे तो या तो आपको इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है या ओरली दिया जाता है, मुंह में जो बूंद डाल के दिया जाता है वैक्सीन में, बट ये क्या है, ये नोज़ में जैसे विक्स इनहेलर टाइप होता है ना वैसे आपको स्प्रे कर दिया जाता है, तो आपके नोज़ में ये चला जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो म्यूकोसा लेयर है उस म्यूकोसा लेयर में
जो म्यूकोसा लेयर का इम्यून सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, और वो फिर फर्दर हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे जो वायरस बैक्टीरिया है उनसे। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा एक टर्म यूज है, दैट इज इट्स वैक्टर बेस्ड। वैक्टर का मतलब क्या होता है, वट डू मीन बाई वैक्टर बेस्ड? वैक्टर का मतलब ये हुआ कि ध्यान समझना, जो वैक्टर बेस्ड हम जब बात करते हैं, वी नो टॉक अबाउट द वैक्टर बेस्ड, इट मीन्स कि आप जैसे मान लो यहाँ पे एडिनो वायरस का इस्तेमाल कर रहे हो एज अ वैक्टर। वैक्टर क्या करता है, किसी भी जीन और इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप बस के माध्यम से जाओगे, तो वो क्या है कि वो बस के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो एडिनो वायरस क्या होता है, एडिनो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें हम उन मान लो कुछ कोड है वायरस के, जेनेटिक कोड है या जीन है जो भी है वायरस का जो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो हम इस एडिनो वायरस में रख के फिर वैक्सीन के माध्यम से शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो इनको हम जो है वेक्टर बेस्ड वैक्सीन भी, इस तरीके की वैक्सीन को हम कहते हैं। नेक्स्ट देखो, एक बीमारी जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे क्या है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो शेप है आरबीसी का वो चेंज हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका चेंज होता है। जनरली जैसे मान लो ये आपके ब्लड वेसल्स हैं जिससे खून अंदर जाता है, तो ये गोल शेप होता है, हीमोग्लोबिन का शेप गोल होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये ब्लॉक हो सकता है, खून रुक सकता है, और इसमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ भी आपके हो सकती है। तो ये जेनेटिक डिजीज़ कंसिडर की जाती है। जेनेटिक डिजीज़ मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी ट्रांसफ़र होता है, तो किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से जो है वो आपका ये स्प्रेड नहीं होती है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कई कैटेगरीज है, जैसे एक है HBSS, HBSC, HBS बीटा थैलासीमिया। तो यहाँ पे कई जीन्स रिस्पॉन्सिबल, जैसे एक जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक जीन मदर से आ रही है, एक जीन फादर से आ रही है। इसमें जो है यहाँ पे कहा गया कि एस जीन फ्रॉम वन पेरेंट एंड सी फ्रॉम अदर, मतलब ये क्या है कि अलग अलग जीन्स आपकी आ रही हैं। जैसे HBS बीटा थैलेसीमिया में एक जीन्स एक पेरेंट से, एक बीटा थैलेसीमिया ये है, ये सीवियर है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे HBSS, HBSC, HBS बीटा थैलेसीमिया, तो ये सब इसकी जो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की वी कैन से जीन ट्रांसफ़र हो रही है, उस बेसिस में ही जो सीवियरिटी है सिकल सेल एनीमिया को वो देखने को आपको मिलती है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होता है वो जेनेटिक लेवल पे रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसमें जैसे इवन आप देखो तो एक शेप होता है, जैसे जनरली जैसे दो कंपोनेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के, एक होता है अल्फ़ा और एक बीटा। तो बीटा जो कंपोनेंट सब यूनिट होता है उसमें बदलाव आपका हो जाता है, और फिर जब बदलाव हो जाता है तो शेप भी ऐसा चेंज देखने को मिलता है RBCs का, जो कि फर्दर वी कैन से बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके होते हैं सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट देखते हैं टोमेटो फ्लू। तो ये किसकी वजह से होता है, कॉक्स सेकिया वायरस है इसकी वजह से होता है। ये चिकनगुनिया की तरह ही वायरस है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है, और जो वायरस जिस फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज़ एंटेरो वायरस फैमिली से ये आपका बिलोंग आपका करता है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, HFMD हैंड फुट माउथ डिजीज़, ये इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस को आपका अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं लंपी स्किन डिजीज़ है, ये कैटल्स में स्प्रेड हुआ है। ये वायरस का नाम पॉक्स विरिडाई है, जिससे है मेनली जो लिम्फ हिस्सा होता है उसको ये स्प्रेड आपका करता है। ये जूनॉटिक नहीं है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड करने वाला डिजीज़ नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कैटल से इसे काफ़ी, जैसे गाय है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। फिर वैक्सीन हैम्पी प्रो वैक्सीनेटेड, ये निथलिंग वायरस है निथलिंग जो वायरस है, जो कि जिस कैटेगरी का ये वायरस है, जो आपके लिए वी कैन से लंपी स्किन डिजीज़ के लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे क्या है कि वैक्सीन भी इसके लिए डेवलप आपकी की जा रही है। रेबिस की बीमारी की बात किया जाए तो लाइसोवायरस टाइप 1 है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, मतलब जिसको रेबीज हो जाता है तो उसको फिर पानी से काफ़ी डर आपका लगता है। फिर आपकी TB कैंपेन है, देखो TB कैंपेन में हमें मतलब ज़्यादा पॉलिसीज़ नहीं, बट हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइस से होती है। दो तरीके की TB होती है, एक MDR TB होती है, एक XDR TB होती है। MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, और उसका एक्सटेंडेड और एडवांस फॉर XDR TB होती है। तो जो इसमें बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर बहुत अधिक आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जो दवाइयाँ हम TB के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।
तो उन दवाइयों का कोई असर बैक्टीरिया में नहीं पड़ता है। अब इसमें देखो, सरकार ने दूर करने के लिए निक्षय मित्र रखा। इसमें निक्षय मित्र में क्या है कि ये टीबी प्रोग्राम इरेडिकेशन है, मतलब टीबी कैसे ख़त्म करें। इसमें सोसाइटीज़, कॉरपोरेट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एनजीओ, सभी लोग एक रोल प्ले करते हैं जिससे कि टीबी को ख़त्म कर सकें। और जैसे मान लो किसी पेशेंट है, पेशेंट को किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, तो निक्षय मित्र ये प्रोग्राम, अगर आपसे पूछे रिसेंटली न्यूज़ में था, तो टीबी प्रोग्राम है। TNKET जो है ये तमिलनाडु कासानोज इरापिला थीटम, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो दिस इज़ ऑल्सो, ये भी आपका क्या है, ये तमिलनाडु का प्रोग्राम है टीबी से रिलेटेड, इट इज़ लिंक्ड विद टीबी। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। देखो इसमें प्रीलिम्स एस्पेक्ट से रिलेटेड क्या है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ये क्या है, ऐसी डिजीज जो सेटिस्फाई करते हैं प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो जैसे एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाए, जैसे मान लो कॉस्ट इफेक्टिव, स्टेबल अंडर स्टोरेज, है ना, जो करंट गाइडलाइंस को माने, तो ये सब क्या है, मतलब जो एसेंशियल मेडिसिन उनकी लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाती है। एंड जैसे मान लो हमारे देश के अंदर भी आपकी प्रिपेयर की जाती है, अब उनकी प्राइस को भी आप ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हो। देन यू हैव दिस फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसे जनरली जब हम किसी भी दवा को लेते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डोज को हम कंज्यूम करें। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के अंदर यू आर टेकिंग, मतलब जैसे मान लो एक दो डोज हैं उनको ले रहे हो, विच आर मोर एफिशियंट ऑल्सो एंड मतलब ज़्यादा इफेक्टिव भी आपकी होती है, तो इसको भी आपका किया जाता है। बट ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमें ध्यान में रखना है कि ऐसी दवा को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं बनाना है जो कि इतनी ज़्यादा सही ना हो या हेल्पफुल ना हो, तो ये एक ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं डोलो इथिक्स। डोलो जो है न्यूज़ में भी थी। अब इसमें जैसे बहुत ज़्यादा ये जो जैसे कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ तो उसमें जो डोलो है उसको डॉक्टरों ने बहुत प्रेस्क्राइब किया था, तो उसमें कई सारे प्रश्न भी उठे हैं कि क्या इस तरीके से प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और भी दवाइयां हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स हमें याद रखना है, एक तो एंटी पैरेटिक मतलब फीवर को रिड्यूस करने के लिए, एक होता है एनएल जैसिक जो कि पेन को रिलीव करने के लिए यूज़फुल होता है। तो एक तरफ आपका फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटी पैरेटिक है और एक एनएल जैसिक है जो कि पेन को रिलीव करने के लिए आपका होता है। तो इंडियन मेडिकल काउंसिल की बात करें तो उन्हें जैसे दे आर आर सर्टन रेगुलेशन, से 2002 का एक रेगुलेशन है, तो किनको कैसे प्रेस्क्राइब करना, कौन से दवा, जैसे मान लो कोई जो आपके मार्केटिंग करते हैं मेडिसिन की, जो मार्केटिंग करते हैं, तो वो कई बार डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे दवा को रिकमेंड करो और सर्टन बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, तो उस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है रेगुलेशन 2002 की अगर हम बात करें। एंटीवायरल ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि वायरस के खिलाफ इस्तेमाल आपकी की जाती है, तो ये कॉमन सा टर्म है, ये पता होना चाहिए। फिर एक होता है टर्म जिसे हम कॉफी रिंग अफेक्ट भी आपका कहते हैं। इस पर हम लोग एक साइंस का टॉपिक है, साइंस के भी जो करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा मैं आपसे, तो उसमें और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरली जो नेचर है, नेचर ऑफ द पार्टिकल्स अफेक्टिंग द स्टेन ऑफ कॉफ़ी बाय इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जनरली क्या होता है कि जो भी जैसे मान लो कॉफ़ी स्टेन होता है ना, तो इस कॉफ़ी स्टेन, जैसे सपोज करो कप रख दिया और एक कॉफ़ी स्टेन क्रिएट हो गया, अब उन जो कॉफ़ी के पार्टिकल्स हैं जो हम इमेजिन करते हैं कि ये पार्टिकल्स इधर डेंस होंगे, तो उनका मूवमेंट थोड़ा सा अपोजिट रहता है, तो वो जो रिंग सी बनती है कॉफ़ी की, उसमें जो डिफरेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि हमें यह पता चल सके इस प्रॉपर्टी के माध्यम से जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का जो हम जानते हैं और जिसे हम कॉफ़ी रिंग अफेक्ट भी कहते हैं, कि जो रिंग क्रिएट होती है कॉफ़ी की कप से या ग्लास से जो भी है, तो जो क्रिएट होती है उसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उसके बेसिस में बहुत सारे हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करके जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कॉफ़ी रिंग अफेक्ट किस रिलेटेड किससे है, तो ये इसी से रिलेटेड है। बेसिकली जो कॉफ़ी है उसमें जो पार्टिकल मूवमेंट है उसको स्टडी किया जाता है और उसके बेसिस में कई चीज़ें हम जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं SSD, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या है, ये सैंडलवुड जो चंदन का पेड़ है उसके खिलाफ है, ये बैक्टीरिया के विषय होता है जिसे हम फाइटोप्लाज्मा इस्तेमाल कहते हैं। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या हुआ, ये ब्लड क्लॉट है और कहा गया कि इवन कोरोना वायरस की वजह से भी जो ब्लड क्लॉट है वो देखने को, मतलब थ्रोम्बोसिस के केसेस देखने को जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिजल्स और रुबेला की बात किया जाए, तो ये वायरल डिजीजेस हैं, ये याद रखना है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं,
ये याद रखना, वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है, इंद्रधनुष मिशन है उसमें भी हमने इसका इंक्लूड किया हुआ है, और इसे हम 2023 तक एलिमिनेट करना चाहते हैं। निक्षय मित्र अभी हमने पूरे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, निक्षय मित्र के बारे में अभी डिस्कस किया, तो वही कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, निक्षय मित्र किससे आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट अल्जाइमर डिजीज़ की बात करें तो ये देखो इसमें एमोलॉइड प्लेग होता है, एमोलॉइड प्लेग आपको याद रखना है। एमोलॉइड प्लेग क्या है कि जैसे मान लो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स में प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, और मतलब जैसे न्यूरॉन्स होते हैं और उनके है ना, तो उसमें क्या होगा, यू विल हैव अ प्रोटीन डिपोजिशन, प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, एंड ये जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें न्यूरोफेब्रल टैंगल्स भी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके खिलाफ एक दवा भी इस्तेमाल होता है जो अभी डेवलप की गई, जैसे लेकानीमैब, जो कि कहा गया कि ये कहा गया कि ये जो प्रोटीन डिपोजिशन है उसको रिड्यूस करेगा और फिर अल्जाइमर जिसमें भूलने और ये सब होता है तो अल्जाइमर डिजीज़ को भी फिर रोकने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक शब्द याद रखना है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का क्या मतलब होता है, जैसे जनरली एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे आपके शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया जाता है तो आपके शरीर के अंदर उसके पैरेलली एंटीबॉडीज़ भी आती हैं, प्रोड्यूस आपकी होती हैं, जैसे एंटीजन आपके शरीर में गया तो पैरेलली आपके एंटीबॉडीज़ भी बनेंगी। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर देखा जाए ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो पैरेलली आपके शरीर के अंदर बन रही हैं, तो जनरली हम उनके लिए मात्र एंटीबॉडी शब्द इस्तेमाल करते हैं, बट जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी शब्द इस्तेमाल करते हो इसका मतलब क्या है, उन्हीं एंटीबॉडीज़ को लेके आप लैब में डेवलप कर रहे हो। जब लैब में आप उन्हीं एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर रहे हो तो उसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहेंगे, और पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ वो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लो मल्टीपल एंटीजन के खिलाफ हो उसे पॉलीक्लोनल बोलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है अल्मा आटा डिक्लेरेशन क्या है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन ये हेल्थ केयर सेंटर्स को इस्टाब्लिश करना, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, हेल्थ फॉर ऑल स्लोगन्स, तो ये आपको याद रखना है कि मेनली ये हेल्थ से रिलेटेड है, फिजिकल मेंटल हेल्थ है, हेल्थ केयर से रिलेटेड ये है, और 1977 के अंदर ये अल्मा आटा डिक्लेरेशन आपका लेकर आया गया था। चीता डिजीज़ की बात करें तो देखो है हिपैटोर रीनल इन्फेक्शन, ये जो किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शन है वो आपका अफेक्ट हुआ जिससे एक चीता की डेथ भी हुई है। फिर आपको एक टर्म है इकोलॉजिकल नीके, इकोलॉजिकल नीके का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ पे कोई जो जीव है वो रहता है, उसके फंक्शनल आस्पेक्ट, जैसे मान लो एक जंगल है, उस जंगल में हजारों जीव रहते हैं एक ही जगह पे, तो वो अपना एक फंक्शनल एरिया डेवलप करते हैं जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, उसको हम इकोलॉजिकल नीके कहते हैं। नेक्स्ट देखो लेप्रोसी, लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रॉय के द्वारा ये आपका जो है होती है, एंड मतलब दवा के माध्यम से इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोबायोम एक टर्म यूज़ होता है, सो माइक्रोबायोम का मतलब क्या होता है, माइक्रोबायोम बेसिकली माइक्रोबायोम क्या है कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो जो भी आपके जैसे यूज़फुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इवन इम्यून सिस्टम में, तो उन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। तो ये कहा गया कि जो माइक्रोबायोम में बदलाव हो रहा है उसकी वजह से भी बच्चों में ऑटिज़म देखने को मिलता है, जो आज के एक तरीके की बीमारी भी है। जैसे आज के समय बोलते हैं ना, मदर को कहा जाता है कि नहीं आप पाउडर का दूध पिलाओ और इस टाइप की चीज़ें, तो ये अभी स्टडी कहती है कि ये जो है इसकी वजह से जो बच्चा है उसका माइक्रोबायोम चेंज होता है, और उससे कई बार जो ऑटिज़म जैसी बीमारियाँ भी आपकी स्प्रेड होती हैं। इस बार जो बजट है उसमें जो एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने की बात की गई, 2047 तक हम एलिमिनेट करेंगे, और ट्राइबल जो है या अफ्रीकन पीपल दे आर मोर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ की जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप आपका रहता है। नेक्स्ट देखते हैं जापानीज एंसेफलाइटिस, ये इसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप भी की गई, जैसे वैक्सीन चाइना के द्वारा भी डेवलप की गई है, जनवैक भारत बायोटेक के द्वारा भी डेवलप आपकी की गई है, और ये वायरस की वजह से आपका स्प्रेड होती है, और कई हिस्से हैं ईस्टर्न यूरोप के, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर बीमारी आपकी फैली। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये पिग्स और एनिमल्स को स्प्रेड करता है, तो ये भी याद रखना है। H3N2 जिसे एक H5N1 है, H5N1 वो एवियन इन्फ्लुएंजा, ये H3N2 है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ एंड डिजीज में आप याद रखो, नेक्स्ट मतलब इसी में जो हम डिस्कस करें अस्ताना डिक्लेरेशन, तो किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हम कर सकते हैं कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। फिर आपका ऑक्सीटोसिन की बात किया जाए तो ये इमोशनल हार्मोन है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। एवरग्रीन पेटेंट का मतलब क्या होता है, जब आप एक ही पेटेंट आपने किसी चीज़ का कराया उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप कंटिन्यूस बेसिस में पेटेंट कराते हैं उसको एवरग्रीन बोलते हैं। फिर यू हैव अ इंसाकॉक, इंसाकॉक क्या है, ये
एक तरीके से कॉलेबोरेशन है, जैसे जिसमें CSIR है, फिर ICMR है, बायोटेक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। तो ये क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारा डेटा कोरोना से रिलेटेड एक साथ शेयर होता है, मल्टीपल जो लैब्स हैं उनका डेटा कोलाबरेट होता है। तो इसमें एक कंसोर्टियम है, मतलब ग्रुप्स हैं, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी लैब्स इसका हिस्सा है। तो उसको ये जो अरेंजमेंट है, हम इसको इंसाकॉग शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है जब हम क्रॉप को ग्रो करने में बहुत सारा पानी, बहुत सारा फर्टिलाइजर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आउट इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट कम होता है। एक्सटेंसिव इसका अपोजिट होता है, लो इनपुट और ज़्यादा आउटपुट होता है, और एनवायरनमेंट के साथ आप बैलेंस लेकर चलते हो। रबी क्रॉप का एग्जांपल देखो, मस्टर्ड, वीट, बारले, पल्सेस की अगर बात किया जाए, ठीक है। तो राइस को जब हम ग्रो करते हैं तो उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग है करते हैं, पडलिंग करते हैं। जैसे मान लो जो भी आपका सॉइल है, सॉइल जो भी सॉइल अगर आप देखोगे ना, तो सॉइल में पानी ऐड करके और उसमें क्या है, एक उसको कीचड़ कीचड़ टाइप बनाते हैं, तो उसे पडलिंग बोलते हैं। राइस को ग्रो करना, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है कि पहले राइस के बीज को रखा जाता है नर्सरी में, ग्रो करके थोड़े थोड़े पौधे लेके उगाया जाता है, फिर उसको पानी में, मतलब फिर जो है खेत में लगाया जाता है, तो उसे हम ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। और एक होता है डायरेक्ट सीडेड प्लांट। डायरेक्ट सीडेड का मतलब आप डायरेक्टली जो है सीड खेत में डाल के और फिर आप उगाओ। तो लेकिन क्या होता है इसका डिसएडवांटेज डायरेक्ट सीडेड प्लांट का, क्या होता है कि बहुत सारे वीड और डिसीज वीड्स अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन को प्रेफर आपका किया जाता है। खरीफ क्रॉप में देखो एग्जांपल, राइस, ज्वार, ये सब खरीफ क्रॉप हैं, एंड ये इन एरियाज़ में ग्रो भी करते हैं। महाराष्ट्र, जैसे ज्वार की ही बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्रा में। बाजरा की बात करें तो यहाँ पे इनमें पानी की कमी, मतलब पानी की कमी एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं, राजस्थान, यूपी, इन एरियाज़ में ग्रो होता है। रागी की अगर बात किया जाए, भी खरीफ है, तो यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और मेज़ की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु में ये रबी है, और ये खरीफ और रबी दोनों के रूप में ग्रो करते हैं, तमिलनाडु में रबी क्रॉप के रूप में जो है आपका ग्रो करती है। ऑयल सीड की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का। लिनसीड टेम्परेट क्रॉप है, थोड़ा ठंडे इलाके में है। कोकोनट आपका कोस्टल एरिया में ग्रो होता है। टी की अगर बात करें तो इसको अल्टरनेट वार्म और कोल्ड विंड्स की जरूरत है। कॉफ़ी की बात करें, ये ट्रीज के शेड्स में जो छांव में उगता है उसके लिए सही है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। जैसे टोबैको की अगर बात करें तो मेस्ता में देखा जाए, इंडिया रैंक फर्स्ट इन मेस्ता प्रोडक्शन, एंड एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये जो है आपका सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रैगन कल्टीवेशन। ये फ्रूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसे सुपर फ्रूट बोला जाता है। गुजरात में इसे कमलाम जो है ना, वो नाम भी दिया गया है। फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत हाई आपकी प्रेजेंट है, इंटरनेशनल डिमांड भी इसकी बहुत आपका ज़्यादा है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 85% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रहता है, और नॉर्थ ईस्ट में 100% रहता है। बैम्बू कोकोनट में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है वो रहता है। और एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जनरली जब हम जैसे मान लो कृषि विकास केंद्र है, उसके माध्यम से जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर समहाउ वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड ऑल जो भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की उसको हम डिसेमिनेट कर रहे हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात अगर की जाए तो यहाँ पे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं भारत के अंदर। उसमें बहुत सारे जो जोन्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका कैसा नेचर एंड ऑल है, उस बेसिस पे जो भी है उसको, जो भी नेचर है, मतलब सॉइल कैसी है, विंड की स्पीड कैसी है, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल फार्मिंग। देखो ये मैं आपको बहुत जल्दी से चीज़ों को रिवाइज़ करवा रहा हूँ, जो मेरे क्लास के अंदर चीज़ें कवर की गई हैं, तो जैसे आप लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनका रिवीजन हो, उनका नुकसान नहीं हो। UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, और अनअकेडमी से आप जरूर जुड़ें, मेरे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। यूज़ द कोड SAURABH, इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकेडमी से जुड़ सकते हैं। जब आप जुड़ेंगे तो आप मेरे कोर्स तो देख ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। अब इसमें देखो जनरली देखो जब भी हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग में, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे एक बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब कि जैसे मान लो आपने बहुत केमिकल का इस्तेमाल किया और आपने उस प्लांट क्रॉप को कंज्यूम किया, तो वो क्या होगा, वो आपके शरीर में वो केमिकल धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, उसे बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे। धीरे धीरे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा। मान लो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में
खेत में, खेत के पानी से पॉन्ड्स में गया, पॉन्ड से फिर अलग अलग जो जो खाता गया उसके शरीर में इंक्रीज होता गया, उसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि के माध्यम से भी हम ये जो नेचुरल फार्मिंग को हम प्रमोट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे पास स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना है ये भी है। तो जनरली नेचुरल फार्मिंग में हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड कई सारी ट्रीटी भी हैं, तो ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर है ना फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये ट्रीटी भी है। फिर आपका 2001 का मैड्रिड कन्वेंशन भी है, तो आपको याद रखना ये भी जेनेटिक रिसोर्सेज को हम कैसे सही से इस्तेमाल करें उससे जो है रिलेटेड आपका है। सो देखो जनरली जेनेटिक रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप व्हेन यू टॉक अबाउट द जेनेटिक रिसोर्सेज, तो जेनेटिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, सो जेनेटिक रिसोर्सेज का की अगर बात करें, जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, सीड्स हैं, कोई सीड है उसकी पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। जितने ज़्यादा अधिक सीड्स प्रेजेंट हो उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपकी प्रेजेंट होती है। तो फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स आपके अवेलेबल हों, और ऐसा ना हो कि डिफरेंट जीन्स हैं उनको आपने जो भी प्लांट स्पीसीज बनाई बोले ये जीन हमारे काम की और उसको आपने पेटेंट करा लिया और दूसरे को यूज़ ना करें। तो यहाँ पे फेयर इक्विटेबल शेयरिंग हो इस पर आपका फोकस जो है वो किया गया है। एक टर्म यूज़ होता है जिसे हम टॉरिफेक्शन बोलते हैं, टॉरिफेक्शन न्यूज़ में है, जैसे स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा इशू है जो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे टॉरिफेक्शन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, हमने भी कई बार डिस्कस किया। तो जैसे खेत होते हैं उसमें जब कटाई हो जाती है तो जो स्टबल्स बचते हैं, रिमेन्स बचते हैं, उसको जलाया जाता है जिससे पॉल्यूशन होता है, उसको हम लेकर टॉरिफेक्शन के माध्यम से हम उसे फ्यूल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टॉरिफेक्शन में जनरली होता क्या है कि जैसे किसी भी फ्यूल को हमने लिया, मतलब किसी भी क्रॉप का जो क्रॉप रेसिड्यू लिया उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर में बर्न किया, बट वो ऑक्सीजन डेफिसिट एनवायरनमेंट में बर्न करते हैं, फिर वो एक ऐसा पैलेट टाइप बन जाता है जिसे मान लो जलाने के लिए या मान लो एक फ्यूल के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स और इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम इसी प्रोसेस को वी जनरली कॉल इट एज टॉरिफेक्शन। जैसे लगभग मान लो कि ऑक्सीजन डेफिसिट एनवायरनमेंट में जलाया जाता है 300 डिग्री के, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाएंगे तो पूरे तरीके से वो जल जाएगा। ऐसी एक पैलेटाइजेशन भी है, पैलेटाइजेशन में भी जो एग्री वेस्ट है उसको पैलेट्स के रूप में ऐसे ब्रिक टाइप बड़े बड़े कन्वर्ट आपका किया जाता है, तो ये पैलेटाइजेशन भी इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तो पैलेटाइजेशन एंड प्रोडक्ट है, लेकिन पैलेटाइजेशन या पैलेट्स जो क्रिएट करते हैं जिस प्रोसेस के माध्यम से करते हैं उसे हम टॉरिफेक्शन शब्द उसके लिए इस्तेमाल जो है वो आपका यूज़ द टर्म कॉल्ड एज टॉरिफेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजर एक है। वन नेशन तो जैसे मान लो एक आगे हम डिस्कस भी करेंगे, देखो नैनो यूरिया एक कंसेप्ट है। देखो यूरिया का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। अब यूरिया जनरली जैसे मान लो खेत है, ठीक है, अब उस खेत में क्या करोगे, आपको जैसे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन यूज़ कर नहीं सकते, और फिर क्या करते हो अब यूरिया के माध्यम से जो भी नाइट्रोजन की नीड है उसको पूरा किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देते हो। अब कोई प्लांट है उसको यूरिया बहुत ही कम चाहिए, लेकिन पूरा खेत में हम खूब सारे यूरिया डाल देते हैं जिससे कि सॉइल भी ख़राब होती है, प्लांट्स के लिए भी वो जहरीला होता है। तो नैनो यूरिया क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आपने क्या किया, स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद जो भी जगहें हैं प्लांट में, जैसे मान लो छेद हैं टोमेटा और यहाँ सब, इसके माध्यम से वो यूरिया प्लांट के अंदर चला जाता है और उस प्लांट के में प्रेजेंट रहेगा, जितना प्लांट को जरूरत होती है यूज़ कर लेता, बाकी स्टोर करके रखता है। तो इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा पूरे खेत में स्प्रेड नहीं करना, और प्लांट को भी जितना चाहिए उतना यूज़ कर लेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक सिंगल ब्रांड भारत लोगों का इस्तेमाल करके और एक सिंगल जो फर्टिलाइज़र वन नेशन वन फर्टिलाइज़र की तरफ हम जो है मूव आपका कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत आया है, और किस तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें इस पर हाईलाइट भी किया गया है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर को फोकस किया गया, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जैसे पॉली हाउसेस का इस्तेमाल, जैसे मान लो खेत है, खेत के ऊपर पूरा पॉली हाउस ग्लास हाउस बना दिया जाता है, उसमें फिर क्रॉप को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो आपका किया जाता है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भी डिक्लेयर किया गया। जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, जैसे मान लो कोई भी डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लो मस्टर्ड अभी एक धारा DMH 11 करके मस्टर्ड की वैरायटी है, तो उस पर रिसर्च होना, अप्रूव होना, ये सारा GEAC के द्वारा किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे जेनेटिक मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन में थोड़े बहुत चेंजेस आपने कर दिए, कुछ जीन है उनको साइलेंट कर दिया, मॉडिफिकेशन में आप नई जीन्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो,
और बड़े लेवल पे चेंजेस आप जो है वो कर रहे हो, तो जो भी जेनेटिक लेवल पे बदलाव होता है तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक GESC जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है, ये चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। गोल्डन राइस की बात करें तो यहाँ पे विटामिन ए रिच है ये, ठीक है, विटामिन ए रिच है। एंड बायोफ्यूल में जेट्रोफा का इस्तेमाल होता है, जो नए जनरेशन है उसमें इवन एल्गीज और लैब में चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं उससे हम बायोफ्यूल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कोडेक्स अल्मेंटेरियस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये पब्लिश फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, और इसमें सारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो क्राइटेरियाज हैं जिनको जो है फॉलो किया जाता है फूड से रिलेटेड, इवन इसमें हाईलाइट भी किया गया कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर GM क्रॉप है तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो उसको हाईलाइट करना जरूरी आपका जो है वो बन जाता है, मतलब प्रोडक्ट में वो चीज़ हाईलाइट आपका जो है होना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक आपका है पूसा डिकम्पोज, पूसा डिकम्पोजर। तो यहाँ पे जैसे मान लो स्टेबल है, स्टबल है जो क्रॉप रेसिड्यू है, उस क्रॉप रेसिड्यू को जो रिमेन्स है क्रॉप का उसको आपने क्या किया, वहीं पे उसको किसी और फॉर्म में मैन्योर में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही मान लो एक्स सी टू मतलब स्टबल है, उसमें पैलेट्स में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे इन सी टू एक्स सी टू, इन सी टू मतलब वहीं पे आप चेंजेस कर रहे हो, एक्स सी टू का मतलब आप उसको लेकर जा रहे हो फिर चेंजेस कर रहे हो। तो पूसा डिकम्पोजर के माध्यम से आप स्टबल को क्या कर रहे हो, मैन्योर में कन्वर्ट आप जो है वो कर रहे हो। फिर आपका सतत है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो यहाँ पे ये सतत स्कीम है जिसमें अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पे बात की गई। बासमती राइस ट्रांसप्लांटेशन और DSR अभी हमने डिस्कस भी किया कि डायरेक्ट सीडेड सोविंग में क्या होता है, आप डायरेक्ट खेत में सीडिंग सीड डालते हो, और ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हो, पहले एक नर्सरी में सीड डाल के उगाते हो, फिर जब प्लांट्स की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है फिर उसको खेत में लगाते हो। तो ये दो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना। अब जैसे जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी रहता है, लेकिन ये जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड होता है उसमें नुकसान ये होता है कि कई बार वीड्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, डिजीज़ बहुत स्प्रेड होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं, इसलिए प्रिफर किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन को। फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये WTO के ऐसे मेजर्स हैं, WTO के ये ऐसे मेजर्स हैं जिसके माध्यम से कोई भी देश सर्टेन स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। मान लो कह दे कि ये XYZ स्टैंडर्ड है, इसी बेसिस पर मैं इस प्रोडक्ट को बाय करूँगा या इम्पोर्ट करूँगा, तो वो देश के पास अपने राइट्स होते हैं। मान लो कह दे कि ये डिजीज़ इस क्रॉप में है तो हम इसको नहीं ले सकते, तो उसने अपने सर्टेन स्टैंडर्ड्स अफेक्ट कर रखे हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी है अपने मतलब इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉफ़ी क्राइसिस। सो कॉफ़ी क्राइसिस जो केरला में देखने को मिल रही, तो वाटर लॉगिंग और कंटिन्यूस रेन बहुत बड़ा फैक्टर इसके लिए कहा गया है। फिर उसके बाद मार्केट में भी है, मार्केट में जो मान लो मार्केट है तो अब अगर कॉफ़ी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो फिर जनरली जो मार्केट है मार्केट में भी अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी, फिर कंजम्पशन अगर है और जो है अवेलेबिलिटी नहीं है तो कॉस्टली भी हो सकती है। फिर जो भी कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उससे ज़्यादातर आपका एक्सपोर्ट होते, लेबर की शॉर्टेज है, सब्सिडीज़ प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ऑल दीज ये चीज़ें आपकी क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी रहती हैं। हैप्पी सीडर की बात करें तो ये जो स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन आपका होता है, तो यहाँ पे ये जो हैप्पी सीडर की बात करें तो यहाँ पे ये एक तरीके का ट्रैक्टर है जिसमें मशीन्स होती हैं राइस को कट करने के लिए, स्ट्रॉ को कट करने के लिए, ये आपका रहता है। जैसे मान लो ये खेत है और इसमें ये स्ट्रॉ हैप्पी सीडर इसको काट देगा, क्योंकि यही जो रिमेन्स प्रेजेंट होते हैं यही स्टबल का रूप ले लेते हैं। स्टबल बर्निंग के लिए हैप्पी सीडर, स्टबल को रोकने के लिए इस हैप्पी सीडर का भी बोला गया। सॉइल हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, देखो सॉइल हेल्थ पर फूड सिक्योरिटी, सॉइल हेल्थ जो है सॉइल हेल्थ पर बहुत अधिक फूड सिक्योरिटी निर्भर करती है, क्योंकि सॉइल अगर हेल्दी नहीं होगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्रॉप्स नहीं ग्रो होंगे, तो इससे आपकी फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट करेगी। लार्जेस्ट जो कार्बन सिंक है, जो कार्बन आपके जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सब ज़्यादा ओशियन में, फिर आपका सॉइल में देखा जाता है, ओशियंस में ज़्यादा इन कंपैरिजन टू सॉइल। तो जैसे जैसे सॉइल डिग्रेडेशन मान लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी, वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन है, फिर मतलब सॉइल नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट बहुत सारे लेवल पे होगा, तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स नहीं देखने हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लेकर आई थी, जिसमें हमने भी ये कहा था कि जो भी सॉइल प्रेजेंट है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी किस तरीके से उसको देखा जा सकता है, उसी बेसिस पे न्यूट्रिशन उसको दिया जा सकता है। फिर यू हैव अ PM किसान सिंचाई योजना है, अब इसमें मेनली इरीगेशन फैसिलिटी को कैसे इम्प्रूव हम कर सकते हैं, तो ये हाईलाइट आपका जो है किया गया। फिर आपके पास दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसमें भी देखा जाए कि
कई कई लेवल पे जो अंत्योदय योजना है, तो यहाँ पे रूरल लाइवलीवुड मिशन है, सस्टेनेबल फार्मिंग, रिजिलियंट प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इस पर आपका फोकस इसके अंदर किया गया। तो स्कीम का तो अलग से आप लोग देख सकते हो। नैनो यूरिया लिक्विड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से जाता है, लेस कॉस्टली भी है। मेडिसिनल प्लांट देखो, यहाँ पे ये तीन प्लांट्स याद रखो, ये न्यूज़ में है, मीजोट्रॉफिस पैलिटा, फिर आपका है फ्रिटिलोरिया, ये है ना, और डेक्टाइल और रजाए, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। अलग अलग लेवल में इनका इस्तेमाल भी जो है वो किया जाता है, अलग अलग लेवल पे है ना, जैसे कफ है, ब्रोंकाइटल डिसऑर्डर, एंटीऑक्सीडेंट, इसके लिए भी इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। अब इसमें ये याद रखना है कि मेजर जो मिलेट्स हैं, सॉर्गम, पल मिलेट, फिंगर मिलेट, फिर माइनर देखो तो फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, ये सब इसके अंदर आपके आते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, सूखे की स्थिति में भी आपको ग्रो हो सकते हैं। सेमी एरिड रीजन, एरिड रीजन में भी आपके ये ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, तो ये इसमें भी मिलेट प्रोजेक्ट रन करना एंड हाईलाइट आपका किया गया है कि जनरली जैसे कि कैसे हम कर सकते हैं, सीड बैंक्स डेवलप कर सकते हैं, मशीनरी जो हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद कैसे है, फिर उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसके प्रति जागरूकता हम जो है वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल में क्या होता है, सोडिक सॉइल में जनरली जो सोडियम का कंटेंट है वो, जैसे एक तो होता है सलाइन सॉइल जिसमें सॉल्ट कंटेंट हायर होता है, सोडिक सॉइल में सोडियम का कंटेंट आपका जनरली हायर होता है। तो यहाँ पे जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉइल में बहुत अधिक पानी प्रेजेंट है तो पानी ऑपरेट होकर नमक रह जाता है, तो इससे क्या है कि सॉइल सलाइन भी हो सकता है, सोडिक भी हो जाती है। एंड इवन जो सॉर्गम की हम बात करें तो वो सॉल्टी अल्कलाइन सॉइल में दोनों में ग्रो कर सकता है, ये एक एडवांटेज भी आपका जो है वो रह सकता है। तो मतलब ये चीज़ हो सकता है कि जैसे मान लो जो जीन इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये ऐसे ग्रो कर सकता है, तो हम उस जीन को लेके नई क्रॉप्स बना सकते हैं जो कि सॉल्टी और अल्कलाइन सॉइल के अंदर भी जो है वो हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्पर Cas9। तो ये जीन एडिटिंग टूल के रूप में कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस है। अब इसमें इस डीएनए में सर्टेन सीक्वेंस प्रेजेंट है, मान लो ATGC, एडेनाइन थाइमाइन गुआनाइन साइटोसाइन। अब ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, अब इसको आपको कट करना है। मान लो कोई चीज़ सही से फंक्शन नहीं कर रही, नहीं तो आप कट करना है। जैसे मान लो एक कपड़ा, उसको काटना है, तो कपड़ा है उसको काटना है तो आपको कैंची की ज़रूरत होती है। ऐसे ही मान लो डीएनए सीक्वेंस को कटाई करनी है ना, तो उसके लिए क्रिस्पर Cas9 जो जीन एडिटिंग टूल है उसके इस्तेमाल कर। तो इसका फुल फॉर्म याद रखो, क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और इसमें ये जो क्रिस्पर है, ये मतलब बैक्टीरिया और वायरस के बीच में एक लड़ाई होती है। जैसे वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसे खत्म करने का कोशिश करता है, तो ये जो है क्रिस्पर Cas9 के अगर देखा जाए तो क्रिस्पर ये जो तरीका है अपनाया गया बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया क्या करता है, फिर वायरस के उस सीक्वेंस को जान लेता है जिसके माध्यम से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस सीक्वेंस को अल्टर कर लेता है जिसके माध्यम से वायरस बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर सकता है। तो ये जो तरीका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जो वायरस के जेनेटिक जो सीक्वेंस उसको आइडेंटिफाई बैक्टीरिया कर पाता है क्रिस्पर का इस्तेमाल करके, उसी को हम सीख कर हम अब आज के समय में बहुत सारे लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीन थेरेपी जैसी चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रिस्पर व्हेन इन्फेक्टेड विथ वायरस बैक्टीरिया कैप्चर, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही आपका इसमें जो है लिखा हुआ है। पीचर प्लांट, इसमें ये इंसेक्ट, जैसे पीचर प्लांट होता है जिसमें कई सारे इंसेक्ट्स उनको कैप्चर कर लिया जाता है और फिर वो इंसेक्ट धीरे धीरे मर जाते हैं और फिर उन इंसेक्ट्स को खा के प्लांट अपने नाइट्रोजन के नीड्स को पूरा आप करता है। फिर रॉक एग्मा, ये एक लिजर्ड है जो कि खासतौर से रॉक में प्रेजेंट प्रेजेंट होती है, पर अर्बन एरिया में इसके नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। जीन मॉड्यूलेशन या मॉडिफिकेशन, मतलब जब चेंजेस किए जाते हैं, जैसे मान लो बीटी कॉटन है, बीटी क्या है, बैक्टीरिया बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस है, या गोल्डन राइस है, इसमें चेंज आपने किया, विटामिन ए इसमें प्रेजेंट आपका रहेगा। बीटी कॉटन में आपने जो चेंजेस किए तो ये जो जीन इंट्रोड्यूस किया उस जीन की वजह से है ना, जो बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस, ठीक है, तो जो बीटी कॉटन है, तो ये जो बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस है, ये बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस या जो बीटी कॉटन है, इसके अंदर जो भी चेंजेस हमने मान लो जीन इंट्रोड्यूस की बीटी कॉटन, बीटी से लेके कॉटन में इंट्रोड्यूस की, तो उसमें एक प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्राई प्रोटीन बोलते हैं, तो अगर कोई कीड़ा उसको खाता है तो मर जाता है। फिर इससे क्या है, ये एक नेचुरल बायो पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है।
तो कोई भी ये सब जो भी डेवलपमेंट जेनेटिक लेवल पे होता है तो उसका अप्रूवल जेनेटिक अप्रूवल कमेटी के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। नेक्स्ट है डाई इथाइल टो जो है और टोलेमाइड करके है, ये केमिकल है मॉस्किलो रेपलेंट्स के लिए इस्तेमाल, मॉस्किटो जो रेपलेंट्स उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मॉस्किटो जनरली जो हमारे बॉडी में स्मेल होती है उसको करके फिर हमें जो है अफेक्ट करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये हमने एमडीआर एक्सडीआर के बारे में डिस्कस कर लिया। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है ये आपका होता है, ये ध्यान रखना है। फिर देखते हैं नैनो यूरिया, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस जो है वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नैनो यूरिया। देखो नेक्स्ट देखते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल जीन स्टडी। देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया, देखो जनरली क्या होता है, जैसे मान लो सेल है ना, सेल में आपके पास न्यूक्लियस और माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो जो न्यूक्लियस है उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो मान लो कभी मान लो पेरेंट्स हैं उसमें, जैसे पेरेंट्स हैं मेल फीमेल फादर मदर हैं, अब मदर का जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए वो डिफेक्ट है उसमें, तो जो बच्चा है उसमें भी माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए मदर से आता है, तो फिर वो बीमारी बच्चे को भी ट्रांसफ़र आपकी हो जाएगी। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया पे लगातार स्टडी भी आपकी की जाती है कंटिन्यूस बेसिस में, जिसके माध्यम से जो है जानकारी हम ले सकें, क्योंकि जैसे मान लो डिफेक्ट है तो फिर वो फर्दर आगे तक जाएगा, तो इससे पहले ही हम जान लें और फिर उसमें चेंजेस माइट्रोकॉन्ड्रियल थेरेपी के माध्यम से मान लो वो जो डिफेक्टिव जो डीएनए है उसको हटा के नया इंट्रोड्यूस किया जा सके, तो जिससे कि बीमारी आगे ट्रांसफ़र ना हो, ये ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रियल जीन स्टडी एक जिराफ की जा रही है, तो जनरली स्पीसीज के बारे में हमें काफ़ी हद तक जानकारी जो है उससे मिलती है। DMH11, ये एक हाइब्रिड मस्टर्ड है। देखो मस्टर्ड जनरली जो मस्टर्ड होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब होता है जैसे ये पौधा है और ये पौधे में फूल है, फूल में जो आपके जैसे मान लो फूल है ना, तो उसमें आपके पॉलन्स जो प्रेजेंट होंगे उनको सेम फ्लावर में ही जो है वो अंदर जाके फर्टिलाइज होके फिर ओविल जो है फर्टिलाइज होके सीड्स बन जाए, तो सेम ही फ्लावर में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई चेंजेस ही नहीं होते। मान लो वही पॉलन दूसरे फ्लावर में जो है जब ट्रांसफ़र होता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफ़र होता है, मान लो मधुमक्खी है भंवरे हैं कोई भी, इनके पैर में चिपक जाते हैं पॉलन, फिर वो दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं। तो अगर इस क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें वैरायटी या डाइवर्सिटी आने के चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि एक प्लांट दूसरे प्लांट से थोड़ा डिफर करता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये DMH11 क्या है, ये ऑल द मस्टर्ड तो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, बट इसको हाइब्रिड मस्टर्ड के रूप में डेवलप किया गया, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन के 11 साइकिल्स के माध्यम से फिर इसको डेवलप आपका जो है वो किया गया है, और ये अप्रूव GEAC के द्वारा आपका किया गया है। एंड इसमें जैसे कुछ जैसे मान लो, क्योंकि देखो जनरली मस्टर्ड या सरसों का वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, तो कुछ जीन्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे सॉयल बैक्टीरियम से कुछ जीन्स एक्सट्रैक्ट किया, बारनेस बारस्टार, ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया, मेल स्टर्डिलिटी, मतलब कई प्रोसेस इस्तेमाल किए। मेल स्टर्डिलिटी का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिसमें जो पॉलन है वो फंक्शनल नहीं होता, उसमें मेल स्टर्डिलिटी बोलते हैं, तो ये ऐसे फ्लावर्स का भी इस्तेमाल करके और फिर हम DMH11 हमने डेवलप जो है वो किया है। अब इसमें ये भी कहा गया कि हर्बिसाइड टॉलरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो केमिकल हम यूज़ करते हैं अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए, तो उसमें ये जो DMH11 है उसका कोई फ़र्क आपका जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ये पंचमढ़ी MP में है, पन्ना अचनकार अमरकंटक MP और ये सब में है, तो इस पर हम लोग अलग से डिस्कशन एनवायरनमेंट का सेक्शन के अंदर जो है वो कर लेंगे, आप लोग बाकी देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। एक ये वायरस है कोस्टा वायरस है, रशियन बैट्स में 2022 में डिस्कवर आपका किया गया है, ये सेम कैटेगरी सब कैटेगरी में जिसमें SARS-CoV-2 है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए जितने भी ये टॉपिक्स हैं एक स्टूडेंट हैं उनके द्वारा ही प्रिपेयर किए गए थे नोट्स, तो उसको जो क्लास में ही प्रिपेयर किए गए थे, तो ये हम लोग रिवाइज कर लिए हैं पूरे, तो इसमें भी और भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जैसे इकोनॉमी IR साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे एरियाज आएंगे जिसको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो, हर दिन एक टॉपिक आएगा। आप लोग सेशन को शेयर करो और अनअकैडमी से जरूर से जुड़ो, UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करो, 8:45 से 9 PM के 9 AM के बीच में आपका हिंदू का सेशन होता है, उसको जरूर से आप लोग देखो। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ द कोड SP सौरभ, SP विदाउट एनी गैप SAURABH,
इस कोड का इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर SP लाइव कोड यूज़ कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जो ग्रेट ऑफर्स अभी चल रहे हैं, जैसे 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का मेरा कोर्स चल रहा है, कल से शुरू हो रहा है वो करंट अफेयर्स का कोर्स, जिसमें हम जनवरी 2022 से पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट कोर्स है, 23 की तैयारी कर रहे हो तो इस कोर्स को मिस नहीं करना है। तो वो भी कोर्स आपका चल रहा है तो उसको भी, उसका लिंक नीचे दिया हुआ, उस पर क्लिक करके बाय यूजिंग द कोड SP सौरभ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।